दिया में आज क्रांति चौक पे सेवा भारती स्वावलंबन आयाम के तहत ये दो जरूरतमंद लोगों को रेडी भेंट की जा रही है और ये सेवा भारती की तरफ से दिया जा रहा है और पूर्व पार्षद रही रीना महंत यहाँ उपस्थित है और सेवा भारती के अन्य सदस्य गण भी यहाँ पे उपस्थित हैं और जानते हैं किस तरीके का ये कार्यक्रम है और ये आपका क्या प्रकल्प है। हाँ जी धर्मेंद्र सर, सेवा भारती संस्था की पूरे भारत केंद्रीय संस्था चलती है, उसकी संग्रिया के अंदर भी अपने एक ब्रांच है यहाँ पे जिसको हम संचालित कर रहे हैं। उसके तहत एक स्वावलंबन कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे जो लोग जरूरतमंद है तो उनको ऐसे कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाए कि जिससे वो अपना रोजगार चला सकें। उसी के तहत आज हम दो जरूरतमंद लोगों को क्रेडियां प्रदान कर रहे हैं कि जिससे वो क्या है कि अपना रोजगार आगे चला सकेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद। जो आपकी समिति है उसके और भी कोई कार्यक्रम होंगे या जिस तरीके के? हाँ, हमारी समिति के द्वारा अपने वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत एक बाल संस्कार केंद्र भी चल रहा है जिसमें बच्चों को संस्कार से संबंधित कार्यक्रम जो है तो वो चलता है। उसके अलावा सिलाई केंद्र जो है तो वो संचालित हो रहा है और उसके अलावा जैसे अभी हमने पिछले दिनों के अंदर निःशुल्क बैग वितरित किए थे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कि लोगों को जिससे वो प्लास्टिक यूज नहीं करें और वो कार्यक्रम भी हमारा समय समय पर जो है वो चलता रहता है। और इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन किट वगैरह जो है तो वो भी हमने वितरित किए। ये आपके पदाधिकारी गण है, थोड़ा इनका परिचय करा दो, कौन ये कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए? और ये हैं रीना महंत जी जो पार्षद रही हैं कई बार संगरिया से और समाज सेवा में ये इनका अग्रणी सहयोग लगातार बना रहता है।